जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप एमपी व्यापम से संबंधित, एमपी पीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और आपके लिए इन वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए, इनकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो पीडीएफ नोट्स हैं सारे के सारे वीडियो के हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और निरंतर इसी तरह से वीडियो अपलोड हो रहे हैं और बहुत सारे वीडियो मैंने उपलब्ध भी करवाए हैं आप लोगों को, वो भी आप देखें बहुत सारे। और आप हिंदी साहित्य से संबंधित तो हिंदी साहित्य के वीडियो देखें, रचनाओं के वीडियो देखें, हिंदी के कवियों के वीडियो देखें, पर्यावरण के वीडियो देखें, बाल विकास की वीडियो देखें, जीके सामान्य ज्ञान, भारत के जो भी सामान्य ज्ञान है उसके भी वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से मैंने सारी की सारी जो है व्यवस्थित प्लेलिस्ट बनाई है, उनको आप देखें दोस्तों। और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो आपको बेल आइकन को भी दबाना है, तो जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये सारे के सारे कार्य आपको करना है। और एक और कार्य आपको करना है कि जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं वो आप तक सीमित नहीं रखना है, उसको जो है अन्य अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक उसको शेयर करना है। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्टार्ट करते हैं, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको पता होगा कि खजुराहो के मंदिर अगर आप घूमने गए होंगे तो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने। याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रख लेना इसको, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये सांची का स्तूप भी कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने ये सांची का स्तूप बनवाया था, इसको आप याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहां पाए जाते हैं, तो अब आपको प्रागैतिहासिक शिलाचित्र बताना है। तो प्रागैतिहासिक जो शिलाचित्र पाए जाते हैं दोस्तों, वो उदयगिरी में पाए जाते हैं, याद रख लेना। शिला जो चित्र होते हैं वो उदयगिरी में पाए जाते हैं, और किस काल के? प्रागैतिहासिक काल के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उज्जैन का प्राचीन काल का जो नाम था वो क्या था, तो आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवंतिका। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये, और आपको बता होगा कि कालिदास जो प्रसिद्ध जो है कवि हुए हैं, इनका संबंध भी कहां से है? उज्जैन से है, है ना। मेघदूत इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, याद रख लेना। मेघदूत, कुमार सम्भवम, इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई। मध्य प्रदेश का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो कालिदास की जो रचना है उनको भी याद करना पड़ता है, ये कई बार पूछी गई है। और कालिदास से संबंधित एक पूरा वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, उनको भी आप देख लेना। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो कौन सा राजवंश है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों, तो इनमें से चार में से एक उत्तर सही हो जाएगा। कलचुरी जो राजवंश है वो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, इसका सही उत्तर जो होगा वो विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, है ना, कलचुरी। धंगदेव किस वंश का शासक था, तो धंगदेव भी दोस्तों ये कलचुरी वंश का ही शासक था, इसका जो उत्तर विकल्प नंबर दो है वो सही हो जाएगा। धंगदेव किस वंश का शासक था, तो ये कलचुरी वंश का ही शासक था। नेक्स्ट देखें, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदस्सी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि अशोक बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं अशोक। और अशोक के बारे में एक चीज आपको पता होगी, इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की, और भयंकर जब आदमियों की, व्यक्तियों की जब मारकाट हुई, बहुत खून खराबा हुआ, तो अशोक का क्या हो गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसका हृदय परिवर्तन हो गया दोस्तों। इसने बौद्ध धर्म की शरण ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, और इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। इसके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अशोक का जो है उल्लेख पियदस्सी या देवनाम प्रिय के रूप में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है, ये चीज आपको देख लेना है, ठीक है, या अभिलेखों में मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख है उनमें अशोक का जो नाम है पियदस्सी या देवनाम प्रिय रूप में इसका नाम मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा पुरातत्व विभाग। अब पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, ये चीज आपको बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कनिंघम साहब को जो है पुरातत्व विभाग का जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और ये चीज आप कैसे सुन रहे हैं, पुरातत्व विभाग की हम बात कर रहे हैं और आप कानों से बात सुन रहे हैं, मतलब कनिंघम पुरातत्व विभाग के जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, कनिंघम साहब हो जाएंगे।
अगला जो प्रश्न होगा दोस्तों, कि रानी दुर्गावती संबंधित हैं, तो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा रानी दुर्गावती जी का, तो ये कहां से संबंधित थी, तो ये जबलपुर से संबंधित थी दोस्तों, है ना। रानी दुर्गावती जो थी वो जबलपुर से संबंधित थी और मंडला राजधानी थी, तो ये गौड़ गौड़ साम्राज्य की जो है राजधानी थी कौन, मंडला, याद रख लेना। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया, और भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, मांडू आया तो कौन सा था वो दूत, जहांगीर ने जैसे अनुमति दे दी थी व्यापार करने की, तो वो कौन सा दूत था, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, सर टॉमस रो जो था, इसे जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दी और बाद में धीरे धीरे इन्हें अपनी कोठियां जमाना स्थापित कर दी, और कोठियां जमाते हुए इन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाना चालू कर दिया, और आपको पता होगा कि हमारे भारत पर इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया दोस्तों, और हमें गुलाम बना लिया। तो इस जहांगीर ने एक छोटी सी गलती की जिसके कारण से हम अंग्रेजों के क्या हो गए, गुलाम हो गए, इन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, ये चीज आपको याद रखनी है। राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने शासन किया था, कहां पर शासन किया था, इसने धार में किया था। आपको पता होगा कि जो धार है ये बहुत ही जो मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला माना जाता है धार में, और राजा भोज ने भी यहीं पर शासन किया था, याद रख लेना। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो गुजरी महल के बारे में आपको बताना है, गुजरी महल बनवाया था दोस्तों मानसेन ने, किसने बनवाया था, मान मंदिर, कौन सा मंदिर, मान मंदिर और गुजरी महल, इस मानसेन ने बनवाया था, और इस मानसेन ने धोखा दिया था और तात्या टोपे को पकड़वाया था, जिसके कारण तात्या टोपे को क्या हो गई थी, फांसी दी गई थी शिवपुरी में, याद रख लेना। और तात्या टोपे का जो क्या कहते समाधि स्थल जो है वो शिवपुरी में ही बना हुआ है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और जो ग्वालियर का किला है वो किसने बनवाया था, सूरज सेन ने बनवाया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो मानसेन इस गद्दार ने क्या करवा दिया था, तात्या टोपे को साहब पकड़वा दिया, और तात्या टोपे को फिर फांसी दे दी गई। पूछा जाता है क्वेश्चन कि तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी गई, तो शिवपुरी में दी गई, याद रखने ना। इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किया था, तो अबुल फजल आपने सुना होगा, अबुल फजल, अबुल फजल का नाम सुना होगा, इसका कत्ल कर दिया था, किसने कर दिया था, वीर सिंह देव बुंदेला ने इसका कत्ल कर दिया था अबुल फजल का। किस वंश ने ओरछा ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, जी हाँ दोस्तों, ओरछा को राजधानी बनाया, और ओरछा आप जानते हैं कि ओरछा बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो कौन बनाएगा ऐसी राजधानी, बुंदेला ही बनाएंगे, तो बुंदेला ने, बुंदेला राजवंश था, इसने क्या कर दिया, ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। नेक्स्ट है तानसेन का मकबरा कहां स्थित है, जी हाँ दोस्तों, ये जो तानसेन है इसका मकबरा है कहां पर, कहां पर है, जल्दी से बताएं कमेंट में, तो ये उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन प्रसिद्ध संगीतक माने जाते थे तानसेन, और तानसेन का मकबरा जो स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है, याद रख लेना इनको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1942 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भाजन बना, एक छत्तीसगढ़ का जो समाचार पत्र था उसका नाम क्या है, जो अंग्रेजों का कोप भाजन बना, उसका नाम है महाकौशल, है ना। ये जो समाचार पत्र है अंग्रेजों का कोप भाजन बना, याद रख लेना। 1942 में एक आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, आपको याद रख लेना। इस भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इस महाकौशल जो समाचार पत्र था अंग्रेजों का कोप भाजन बना, याद रख लेना। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ग्वालियर राज्य की जो स्थापना की थी आपको पता होगा, ये महादजी सिंधिया ने की थी, विकल्प नंबर दो जो है वो सही हो जाएगा, महादजी सिंधिया। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने नेत्र आंदोलन किया था, तो सेंधवा नामक जो स्थान है उसमें भीमा नायक, उत्तर हो जाएगा भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखो। कई बार एग्जाम में पूछा गया 1956 में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, तो वो विदर्भ था, जिसे 1956 में महाराष्ट्र में मिला दिया गया विदर्भ को। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, आपको पता होगा धूपगढ़ की चोटी जो है ये पचमणी, पचमणी आता है, पचमणी क्षेत्र जो है वहां पर धूपगढ़ की चोटी पड़ती है, और धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है, इसको याद रख लेना। और यहीं पर पचमणी में आपको पता होगा कि बीफॉल है, बीफॉल है, जटाशंकर मंदिर है ना, याद रख लेना। और भी बहुत सारे जो है स्थान है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों इंदौर में है, कहां पर है, इंदौर में चंबल नदी का उद्गम स्थान है। और ये कहां से निकलती है चंबल नदी,
जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है ना, जाना पाओ पहाड़ी से निकलती चंबल, जान ना पाओ और चंबल क्या हो जाती है, निकल जाती है। जान ना पाओ पहाड़ी कहां पर है, इंदौर में है, याद रख लेना। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है, याद रख लेना, अरब सागर में गिरती है और ताप्ती और नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, याद रख लेना। एक क्वेश्चन अभी बना था कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो वहां पर दोस्तों और भी अन्य नदियां दी थी और महानदी भी दी थी, कई मित्रों ने गलत किया क्योंकि महानदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलते हुए उड़ीसा में इस महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। आपको पता होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया हीराकुंड बांध और इस महानदी पर ही बना है, तो महानदी जो है कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है, याद रख लेना। चचाई जलप्रपात किस जिले में है, तो चचाई जलप्रपात आपको पता होगा कि ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना कहलाता है और ये बीहर नदी पर है और ये कहां है, रीवा में स्थित है ना, याद रख लेना इनको। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, आपको मैंने बताया पहले कि चंबल नदी जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है और इस पर जो बांध बना हुआ है वो गांधी सागर बांध बना है, गांधी सागर बांध यहां पर निर्मित है, याद रख देना, जवाहर सागर गांधी सागर बांध निर्मित है और जो हीराकुंड बांध की आपने बात की थी अभी, ये महानदी पर स्थित है। सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है ना। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये बाण सागर बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये सोन नदी पर जो है बाण सागर बांध स्थित है। आपको पता होगा कि सोने के मृग पर क्या चलाया था, बाण चलाया था, किसने, राम जी ने चलाया था, याद रख लेना। तो बाण सागर बांध कहां होगा, सोन नदी पर होगा, है ना, याद रखो इस प्रकार से। नेक्स्ट है जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी, तो जलदीप योजना जो है वो इंदिरा सागर जो है जलाशय से प्रारंभ की थी, है ना, याद रख लेना। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है, तो विदिशा है दोस्तों कहां पर, बेतवा है विदिशा। विदिशा मतलब विदेश, विदेश से हम कल्पना करें तो विदेश में तवा नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तवा नहीं मिलेगा, बेतवा मिलेगा, तो विदिशा बेतवा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, तो ताप्ती बहती है, महानदी बहती है, नर्मदा बहती है, कृष्णा नहीं बहती है, याद रख लेना, है ना, कृष्णा नदी नहीं बहती। तवा परियोजना संबंधित है, तो तवा परियोजना कहां से संबंधित है, तो ये होशंगाबाद जिले में से संबंधित है तभी तवा परियोजना, याद रखो। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सभी को पता है दोस्तों ये अमरकंटक से होता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है और 2 किलोमीटर के अंतर से दो नदियों का उद्गम मिलता है। यहां पर सोन नदी भी यहीं से निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, याद रख लेना। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ये नर्मदा जो नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सही, नर्मदा हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये वीडियो खत्म होता है। अब आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा तो लगा होगा तो लाइक जरूर करना है और इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, अपने मित्रों तक बढ़ाना है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि उन सभी मित्रों तक पहुंच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, इस पीडीएफ की आवश्यकता है, उन सारे मित्रों तक पहुंच जाए, जितने भी हमारे सारे मित्र हमसे जुड़े हुए हैं उनसे विशेष निवेदन करता हूं दोस्तों। और कमेंट के माध्यम से जरूर प्रोत्साहन करें कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार से और भी निरंतर बनाते रहे तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है और भी नए नए प्रश्नों का मैं खोज निकालता हूं, उन प्रश्नों को आप तक, आपके माध्यम तक पहुंचाता हूं, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाता हूं। इसी प्रकार से आपका प्रोत्साहन और हमारा लगा रहना, इसी प्रकार से काम करते रहना दोस्तों, यही चलता रहे तो बहुत सही होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।